ठीक है सवेरा, फिर इजाजत है मुझे। अरे मुताहिर, खाना रेडी है, खाना तो खा के जाओ ना। हाँ, अगर अपने हाथों से खिलाओगी तो खा लेंगे। ठहर जाओ, वो दिन भी आ जाएगा। इंशाल्लाह। सवेरा बीबी, बड़ी बेगम साहिबा ने आप दोनों को खाने के लिए बुलाया है। उनकी दोस्त आई हुई है, उनको घर भी जाना है, तो आप दोनों जल्दी से आ जाएं। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम जाओ। जी अच्छा। हाँ कोई आया? नसरीन आंटी आई हुई हैं, तो चलो ना खाना खा लेते हैं, मम्मी वेट कर रही हैं हम दोनों का। वो एक्चुअली क्या है कि मुझे याद है अम्मी ने भी कुछ घर पे बनाया हुआ था। बेचारी अकेली बैठी होंगी तो मैं निकलता हूँ। हाँ लेकिन मुताहिर, देखो नसरीन आंटी आई हुई है, उनको अच्छा लगेगा अगर हम उनके साथ बैठ के। सवेरा, मैं लेडीज में बैठ कर क्या करूँगा, अच्छा नहीं लगता यार। कोई नहीं, तुम खाओ, मैं इंशाल्लाह कल आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। भाई तुम्हारी बेटी और दामाद होने वाले कहाँ रह गए ये लोग? साथ ही होंगे। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ हो बेटा, कब से इंतजार हो रहा है तुम दोनों का? सॉरी आंटी, असल में शॉपिंग में जो है ना, वक्त का पता ही नहीं चला मुझे बिल्कुल भी। अभी अभी आई हूँ। अरे तो कहाँ है मौसूफ, हमें नहीं मिल पाओगी अपने मंगेतर से? असल में आंटी वो अभी आए थे इधर, लेकिन जरा रिजर्व्ड है, उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, वरना आजकल के लड़के तो बस। खैर नौरीन, तुम ऐसा करो फिर जल्दी से खाना लगवा लो, बहुत देर हो जाएगी। मैं तो तुम्हारी जिद पे रुक गई थी बस खाना खाने के लिए। हाँ हाँ मैं खाना लगवाती हूँ। सवेरा तुम जाकर चेंज कर कराओ। जी मामा, मैं आती हूँ अभी। सायरा सायरा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले उमेर की वजह से मेरे सारे राज खुलते खुलते रह गए। उमेर से जान छुड़ाई तो अनिका का सामना करना पड़ा, अब अनिका के बाद नसरीन ममानी। इससे पहले कि कोई नई मुसीबत गले पड़े, मुझे घर पहुंचना चाहिए। मुझे इतना सवेरा के घर से नहीं निकलना चाहिए था, कोई बहाना बनाना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि ये सब फातिमा की बदवाएं जो मेरा पीछा कर रही। हर काम उल्टा हो रहा है। इस लड़की की दुआओं की तरह इसकी बदुआओं में भी असर है। इससे पहले कि फातिमा की बदुआएं मेरा नसीब बन जाए, मुझे सवेरा से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए।